एंड दी इक्वेशन फॉर, एक बच्चा कह रहा है सर एक क्वेश्चन आता है उसके लिए 7 घंटा पढ़ा रहा हूं। बड़ी गहरी लाइन है बेटा, उसे एक क्वेश्चन क्लियर, इंसान शायद मेरे ख्याल से कुछ नहीं तो 40 घंटे मेहनत करता होगा, एक एवरेज नीट स्प्रेड। एग्जाम में सवाल कितने नीट के, 45 45, 180 क्वेश्चन। इंसान तैयारी किसमें करता है, 11th 12th ड्रॉप, फर्स्ट ड्रॉप, सेकंड। मान लेते हैं ये नहीं किया, लेट अस सपोज ये नहीं किया, मान लेते हैं यही सेलेक्ट हो गया 11th। 300 दिन पढ़ता होगा, 365 ना सही, 300 दिन यहां पढ़ता होगा, टोटल होगा 600 दिन। रोज 10 घंटा पढ़ता होगा, अगर सही में सेलेक्ट होने वाला है तो 10 आवर के आसपास जाता होगा। 6000 घंटे की पढ़ाई करता होगा। टोटल चैप्टर्स फिजिक्स में 30 मेरे ख्याल से, केमिस्ट्री में भी एवरेज लगा लो 30, बायो में भी एवरेज लगा लो 30-35 होंगे, 35 होंगे, जुड़ के 100 हो रहे हैं, 6000 घंटे आ रहे हैं। 60 घंटे पर चैप्टर पढ़ता होगा एवरेज, जो कि 12th में क्वालिफाई करता है। आप ड्रॉपर हो, 300 दिन और, एक ड्रॉप और 300 दिन और, जो आपका कॉम्पिटिटर है वो इसी चैप्टर को 60 घंटे पढ़ के आया है और आप कह रहे हो इसे एक सवाल के लिए 7 घंटे क्यों लगाए। शायद आपको सीट की वैल्यू नहीं पता, शायद आपको कंपटीशन नहीं पता, शायद आपको पता नहीं कि एक क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट होता है।